देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को सहेज कर उन्हें संगठित करने के लिए जी जान लगानी शुरू कर दी है। सांगठनिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने कुशीनगर में कमल संदेश मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित बुद्धा पार्क से शुरू हुई कमल संदेश यात्रा सुभाष चौक पहुंचकर समाप्त हुई। कमल संदेश यात्रा में कई रंग देखने को भी मिले। रैली में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बाइक पर बैठाकर सांसद राजेश पांडे ने रैली की अगुवाई की। रैली में जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद राजेश पांडे ने हेलमेट लगा रखा था, तो वहीं कसया विधायक रजनीकांत मड़ी और ढांटा से विधायक पवन केडिया बिना हेलमेट के ही रैली में बाइक चलाते रहे। इतना ही नहीं, भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इधर भाजपा यातायात माह में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो वहीं यातायात नियमों का पालन कराने वाले पुलिस कर्मी उनका रास्ता खाली करा रहे थे। लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा के कार्यकर्ताओं का यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने कहीं से भी उचित नहीं लगा। रैली की अगुवाई करके सुबह चौक पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में गठबंधन के आसार के सवाल पर कहा, अवसरवाद के कारण दोनों दल गठबंधन कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले धराशायी हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष का उपहास उड़ाते हुए कहा कि देश के सभी दल एक हो जाएं बावजूद इसके नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर साधु संतों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के सवाल पर बचाव करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, साधु संतों का हर धर्म में सम्मान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। मंदिर निर्माण में कोर्ट के आदेश का सरकार इंतजार करेगी। संतों का, गुरुओं का, महंतों का एक बहुत ऊंचा दर्जा है, वो किसी भी पार्टी से ऊपर है। इसलिए जो उनकी भावनाएं हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता होने के नाते, सरकार का एक मंत्री होने के नाते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए, न्यायपालिका की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, समता मूलक समाज की भावना पर आधारित है, सभी का सम्मान है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी हैं, लेकिन इन सभी धर्मावलंबियों से सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है। कुशीनगर से प्रमोद गौड़ की न्यूज, ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।